क्या आप कंप्यूटर को रीसेट करना चाहते हैं, कंप्यूटर फॉर्मेट करना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता है एग्जैक्टली कौन सा तरीका है किसी भी कंप्यूटर को फॉर्मेट करने का या फिर कंप्यूटर को रीसेट करने का। देखिए, रीसेट करना भी एक ही चीज़ है, फॉर्मेट करना भी एक ही चीज़ है, दोनों का मकसद ही एक ही है कि भाई पीसी को क्लीन करना है और दोबारा से विंडोज को हमारे इस कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है, यानी कि रीइंस्टॉल करना है। ठीक है, वही पर्पस होता है। तो उसी को ध्यान रखकर ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे तभी आपको एवरी स्टेप समझ में आएगा। अगर आप इसको भगा भगा के देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी एक्चुअली में नहीं मिलेगी, जिससे आप जब कंप्यूटर को फॉर्मेट करेंगे या फिर कंप्यूटर को रीसेट करेंगे तो आपको जो है आपका जो कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ियाँ हो सकती है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को जो है शुरू करते हैं, जानते हैं। वैसे भी जो है किसी भी जानकारी को पूरे ध्यान से समझने से ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए मान लीजिए कि अगर कंप्यूटर फॉर्मेट करना है और आपको नहीं पता है कंप्यूटर फॉर्मेट कैसे करें, तो मैं आपको बता दूं कि एक समय था जब हमारे कंप्यूटर में जो है विंडोज 7 होती थी। ठीक है, अभी क्या है, आज इस समय क्या है, ज़्यादातर लोग जो है इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इस समय विंडो 10 या फिर विंडो 10 प्रो या फिर विंडो 11 11 प्रो ऐसा कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं। विंडो 7 यूजर्स तो बहुत कम है। विंडो XP, विस्टा, वो सब तो खत्म हो गया, उसका सीजन ही खत्म हो गया। ठीक है, सो विंडो 10 से जो चीज़ें हैं वो काफ़ी बदल चुकी है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि इस कंप्यूटर में ही रीसेट करने का ऑप्शन आ जाता है। जैसे कि मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल में हम रीसेट करते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर में भी फैक्ट्री डाटा को रीसेट करने का और विंडो को रीइंस्टॉल करने का ऑप्शन मिल जाता है हमें। तो ये कहाँ मिलता है और कैसे किया जाता है किसी भी कंप्यूटर को रीसेट, यही हम इसमें सीखने वाले हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है टाइप ईयर टू सर्च में जाना है और यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है सेटिंग। सेटिंग आप इस पर क्लिक कर लेंगे, आपके सामने विंडो 10 या फिर विंडो 10 प्रो में कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देता है। आपको यहाँ पर आकर फाइंड ए सेटिंग में डायरेक्टली यहाँ पर सर्च कर लेना है रीसेट। ठीक है, जैसे आप रीसेट यहाँ पर टाइप करेंगे तो कई सारी चीज़ें आएंगी, जैसे कि रीसेट दिस ओल्ड एप्स, रीसेट दिस PC, रीसेट योर टच पैड टू इट्स डिफॉल्ट सेटिंग। ठीक है, नेटवर्क स्टेटस। तो हमें इस पीसी को, यानी कि इस पीसी को, कंप्यूटर को रीसेट करना है, तो हमें यहाँ पर रीसेट दिस पीसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आएंगे। मैं बोलूँगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं रखते तो आपको ये रीसेट दिस पीसी वाले ऑप्शन में गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। बहुत ही आसान है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो होगा क्या कि आपके सामने डायरेक्टली जो विंडोज 10 है आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देगा। दो ऑप्शन क्या देगा भाई, कीप माई फाइल्स, मतलब आप मेरे पीसी में जो फाइल है, जो एप्स है, ठीक है, उसको रखो आप, मतलब ऐप्स जो बाहर से डाउनलोड किया है हमने वो तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन जो पीसी के साथ ऐप्स वगैरह है उसको रखने के लिए, उसकी सेटिंग को रखने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पर कीप माई फाइल्स, यानी कि जो भी फाइल्स मेरे पीसी में है, कंप्यूटर में, वो रहेगा। ठीक है, क्या तो रिसेट पीसी का मतलब क्या हो गया भाई, तो देखिए जो एप्स हैं उसकी सेटिंग रिमूव हो जाएगी, जो नॉर्मल सेटिंग है कंप्यूटर की वो रिमूव हो जाएगी, और रिमूव एवरीथिंग का एक ऑप्शन मिलता है जिसमें रिमूव ऑल ऑफ योर पर्सनल फाइल एप्स एंड सेटिंग। इसमें क्या एक तरह से हो गया कि कंप्यूटर को जब आप लोग फॉर्मेट करने के पर्पज से कर रहे हैं तो आपको दूसरा वाला जो ऑप्शन है रिमूव एवरीथिंग, रिमूव ऑल योर पर्सनल फाइल एप्स एंड सेटिंग, इसका चुनाव करना चाहिए जब आप किसी लैपटॉप और कंप्यूटर को जो है फॉर्मेट करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ जो है डिलीट हो जाता है और नई सीरीज से जो है विंडोज हम इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए मैं आपको रिमूव एवरीथिंग पर क्लिक करता हूँ। जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ देखेंगे कुछ ही देर में ही देखिए आ रहा है हाउ वुड यू लाइक टू री इंस्टॉल विंडोज। हमारा मकसद क्या होता है जब हम किसी कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं तो क्या करते हैं भाई, सीरियस बात है कि भाई विंडोज इसमें जो पहली है करप्ट हो गई है या फिर कुछ बहुत स्लो हो गया कंप्यूटर, तो हम यहाँ पर जो है अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं। ठीक है, फॉर्मेट करने का मतलब ये है कि पुराना जो सेटिंग है, जो विंडो की फाइल है, उसको हटाकर न्यू सीरीज से दोबारा अपने कंप्यूटर में विंडोज 10 को इंस्टॉल करना। तो यहाँ पर देखिए दो तरह का ऑप्शन दिया गया, एक तो है क्लाउड डाउनलोड, डाउनलोड एंड रीइंस्टॉल विंडोज, और दूसरा है लोकल रीइंस्टॉल विंडोज फ्रॉम दिस डिवाइस। अब इसका मतलब क्या है भाई, क्लाउड डाउनलोड का मतलब ये है कि इसे हम वेबसाइट से, हम इसके लिए तो पहली बात ये है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्लाउड डाउनलोड कैन यूज मोर डाटा देन 4 GB ऑफ डाटा, यानी कि पहले तो 4 GB का डाटा तो चाहिए चाहिए और इससे ज़्यादा डाटा ले सकता है जब आप इसे इंटरनेट से विंडो 10 को अपने लैपटॉप में जो है रीइंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड करेंगे, तभी तो रीइंस्टॉल होगा। तो ये लंबा प्रोसेस है क्लाउड डाउनलोड वाला।
ठीक है, लोकल रीइंस्टॉल किया है। इसमें ये है कि आपका जो लैपटॉप में या कंप्यूटर में जो विंडोज 10 है उसी सॉफ्टवेयर से, उसी ऑपरेटिंग सिस्टम से ये दोबारा से रीइंस्टॉल करेगा, सारी फाइलों को क्लीन कर देगा और एक तरह से आपका जो कंप्यूटर उसको फॉर्मेट करके दोबारा से विंडोज रीइंस्टॉल कर देगा। तो सबसे बढ़िया ये वाला चीज़ है। इन द केस आप समझ सकते हैं कि इसमें जो है क्लाउड डाउनलोड करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें थोड़ी सी खराब हुई है। मान लीजिए अगर हम क्लाउड डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर सेटिंग दिखा रहा है, करंट सेटिंग, रिमूव एप्स एंड फाइल। पहले तो एप्स और फाइल जो है हट जाएगा। डू नॉट क्लीन द पीसी ड्राइव, डिलीट ऑल फाइल ओनली फ्रॉम विंडो ड्राइव। ठीक है, विंडो ड्राइव से सभी फाइल जो है डिलीट हो जाएगी। डाउनलोड एंड रीइंस्टॉल विंडोज, ये करंट सेटिंग में क्या है कि ये सारी चीज़ें होगी, जैसे कि एप्स एंड फाइल रिमूव हो जाएंगी, पूरा जो है ड्राइव क्लीन नहीं होगा। ठीक है, पूरा ड्राइव क्लीन नहीं होगा, जैसे कि मतलब सी ड्राइव होता है, डी ड्राइव होता है, ई ड्राइव, वो सब नहीं होगा। सिर्फ जो है डिलीट ऑल फाइल ओनली फ्रॉम विंडो ड्राइव। विंडो ड्राइव कौन सा है भाई, सी ड्राइव है, तो सी ड्राइव से सभी फाइलें डिलीट हो जाएगी। फिर क्या होगा, डाउनलोड एंड रीइंस्टॉल विंडोज। अभी क्या होगा भाई, डाउनलोड एंड रीइंस्टॉल का मतलब ये है कि अब दोबारा से जो विंडोज है, विंडो 10, वो डाउनलोड होगा। कहाँ से होगा, इंटरनेट से, माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड होगा। उसके बाद से यहाँ पर जो है ये इंस्टॉल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चेंज सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आ रही है, जैसे कि क्लीन डाटा, इसको आप ऑन कर देंगे तो जस्ट रिमूव योर फाइल, दिस इज क्विकर, बस लेट लेस सिक्योर, ये उतना सिक्योर नहीं है। डिलीट फाइल फ्रॉम ऑल ड्राइव है, डिलीट ऑल फाइल फ्रॉम ओनली फ्रॉम विंडो ड्राइव, इसको ऑन कर देंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर यस ऑल ड्राइव। ठीक है, इसको आप ये अगर यस कर देते हैं तो जितनी भी ड्राइव कंप्यूटर में है, तो ये तो समझ लीजिए कि अपने कंप्यूटर को फुल फॉर्मेट करना है, तो आपको डिलीट फाइल्स फ्रॉम ऑल ड्राइव पे क्लिक कर देंगे, इसको यस कर देंगे, तो ये पूरा जो है क्लीन हो जाएगा, जितना भी ड्राइव है सभी क्लीन कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये सेटिंग तो ऑन रहेगी क्योंकि हम जो है क्लाउड वाला कर रहे हैं, डाउनलोड एंड इंस्टॉल। ठीक है, सो ये बेसिकली यहाँ पर देखिए, अब इसको अगर हम इसको यस कर देते हैं क्या होगा, क्लीन द ड्राइव, दिस मे टेक हावर बट विल मे इज हार्डर टू रिकवर फाइल। अगर आप इसको कर देते हैं तो कोई भी फाइल बाद में चाहते हैं तो रिकवर भी नहीं कर पाएंगे, तो मैं बोलूँगा इसको बंद ही रहने दो। ठीक है, सो ये चीज़ें इतनी प्रोसेस होगी जब, और इसमें देखिए 4 GB से ज़्यादा, पहले तो 4 GB कम से कम चाहिए और उससे ज़्यादा डाटा लगेगा आपको डाउनलोड करने में विंडोज, और ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैंने कितनी बार अपने लैपटॉप कंप्यूटर को रिसेट मारा है, फॉर्मेट किया है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, इसको हम जो है कट कर देते हैं और यहाँ पर फिर से जाते हैं गेट स्टार्ट पे। सिंपल वाला फॉर्मूला अच्छा है, हमें अपने कंप्यूटर को क्लीन करना है, फॉर्मेट करना है, रिसेट करना है, तो कीप माई फाइल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। एंड ये बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा है, क्लाउड डाउनलोड के जगह पर आप यहाँ पर लोकल रीइंस्टॉल पे क्लिक कीजिए, जैसे कि हम पहले एक तरह करते थे, वो बहुत ही अच्छा है। रीइंस्टॉल विंडोज फ्रॉम दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए करंट सेटिंग यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगी, रीस्टोर एप्स एंड सेटिंग विच कम विद दिस पीसी, मतलब जो भी इस पीसी के, इस कंप्यूटर के साथ जो भी एप्स वगैरह होगा, सेटिंग होगा, वो रिस्टोर हो जाएगा बाई डिफॉल्ट। ठीक है, रीइंस्टॉल विंडो फ्रॉम डिवाइस मतलब क्या है कि दोबारा जो है विंडोज से सारी जो विंडोज का जो मतलब विंडोज की जो फाइल है हमारे डिवाइस में, हमारे कंप्यूटर में, वही दोबारा से रीइंस्टॉल होगा। चेंज सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है, रीस्टोर प्री इंस्टॉल्ड एप्स, मतलब जो पहले से इंस्टॉल्ड एप्स है वो दोबारा से दोस्तों यहाँ पर रिस्टोर हो जाएंगे। कौन से एप्स, वो जो इस पीसी, इस कंप्यूटर के साथ आए थे। ठीक है, एंड ये है डाउनलोड विंडोज। ठीक है, तो डाउनलोड विंडो तो हमें करना नहीं है क्योंकि हमें इस ड्राइव से करना है, तो इसको हम ऑन नहीं करेंगे, हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ऑन करेंगे तो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। बात आपको समझ में आ रही है, अगर कुछ समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब यहाँ पर कंफर्म वाले बटन पे क्लिक करेंगे, अगर कंफर्म वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से फिर आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर नेक्स्ट बटन पर हम क्लिक करते हैं तो होगा क्या, हमारा हमारा जो लैपटॉप है, हमारा कंप्यूटर है, वो फॉर्मेट हो जाएगा। उसके बाद से हमारा कंप्यूटर में जो विंडोज फाइल है, जो क्योंकि ये हम डाउनलोड करते हैं पहली बार डालते हैं, वहाँ से ये दोबारा से रजिस्टर हो जाएगा। हमारा कंप्यूटर नए सिरे से फॉर्मेट होकर, नए सिरे से हमारे कंप्यूटर में जो विंडोज 10 है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही ये जो है सारी सेटिंग जो है शुरू हो जाएगी होने में। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता नहीं है, लेकिन आपको बस अपने लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में जो पावर प्लग है उसको लगा कर रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद से क्या होगा कि मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए दिस पीसी को ओपन करते हैं और यहाँ पर देखिए इसको बोलते हैं विंडो ड्राइव। तो जो मैं अभी लास्ट वाला तरीका बताया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी ड्राइव जो है यहाँ पर डिलीट नहीं होगी, जितनी फाइलें हैं वो बची रहेंगी। ठीक है, सिर्फ ये विंडो 10 ड्राइव है, इसमें क्या है कि जितना भी ये 61 GB का डाटा है वो सब का सब जो है विंडो 10 का है, जो फाइल है
विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसकी फाइल है, तो ये पूरा क्लीन हो जाएगा क्योंकि सारी चीज़ें तो इसी में आती है ना। अब डॉक्यूमेंट है, डेस्कटॉप पर फाइल है, डाउनलोड में है, वो सब क्लीन हो जाएगा, सिर्फ ये डी ड्राइव से ही क्लीन हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अब मैं आपको बता दूँ कि ये देखिए ये सब सब क्लीन हो जाएगा सब, ठीक है, सब क्लीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है कि हमें जो है अदर ड्राइव को जो फाइलें हैं उसको डिलीट किए बिना हम अपने कंप्यूटर को फॉरवर्ड कर सकते हैं, लैपटॉप को फॉरवर्ड कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर में दोबारा अपने कंप्यूटर को जो है विंडोज 10 को रीइंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी, क्या मैं कहना क्या चाहता हूँ। कुछ समझ में नहीं आई है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं चीज़ों को कि मतलब कैसे क्या चीज़ें होती है, ठीक है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह के वीडियो के लिए आप जो है रामजी टेक्निकल चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।